नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। एनडीए ने अपनी पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन बिहार में किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, बिहार के जो तमाम सहयोगी दल है एनडीए में उनमें सीट बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि भाजपा की बैठक भी की जा रही है इस मुद्दे पर। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर भाजपा सांसद अजय निषाद का बयान सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो साफ हो जाएगा। 11 से 12 मार्च तक के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके साथ साझा कर दिया जाएगा। तो वहीं वो कहते नजर आए कि अभी कितने चरण में चुनाव होंगे ये भी नहीं साफ किया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आचार संहिता है उससे लगने से पहले ही जो पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा इस मुद्दे पर। और क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा सांसद अजय निषाद, पहले आप वो सुने। भारतीय जनता पार्टी रूटीन में काम करती है। तो अमित शाह जी कोई पहली बार यहाँ पटना नहीं आए, इससे पहले मेरे कंस्टिट्यूंसी मुजफ्फरपुर में ही आए थे, उसके पहले आप जाए देखें तो वाल्मीकि नगर में आए थे। तो बड़े नेता जो भी, चाहे वो माननीय जेपी नड्डा हो, माननीय अमित शाह जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी का दौरा अभी से ही शुरू है। तो लोगों में कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ जाता है, भीड़ देख के नेता को भी अच्छा लगता है कि चलिए बढ़िया समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इससे हौसला बढ़ता है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिख रही है, लोग कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, दो तीन चार दिन में सब क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि चिराग जी रहेंगे, क्योंकि एनडीए में जो लोग हैं, चाहे हम पार्टी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे पशुपति पारस जी, सब लोग। ठीक, थैंक यू। आप सुन रहे थे भाजपा सांसद अजय निषाद, बता रहे थे कि जल्दी एनडीए का जो सीट शेयरिंग है वो फॉर्मूला साझा कर दिया जाएगा सभी के साथ। आपको बता दें एक बार फिर, एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग का जो पहला कैंडिडेट का सूची था वो जारी कर दिया गया था और सबकी नज़र है कि बिहार में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसको लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे इस फॉर्मूले को लेकर, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला 11 से 12 मार्च के बीच तय कर लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या एनडीए का कोई और नेता हो, कोई भी नाराज नहीं है, जो एनडीए में थे वो एनडीए में ही रहेंगे। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद अजय निषाद और क्या कुछ कहते नजर आई हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।